हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि मेरे चैनल के थ्रू आप लोगों को नर्सिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। सो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर किया करिएगा एंड अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर किया करिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग जो कमेंट कर रहे थे कि सेकेंडरी का रिजल्ट कब आएगा, सो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो सेकेंडरी का रिजल्ट है उसका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है। सेकेंडरी का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आप लोगों को पूरा बताऊँगी कि रिजल्ट कैसे कैसे अपलोड हुआ है एंड आगे का क्या प्रोसेस रहेगा। सो रिजल्ट जो है इस बार साइट पे नहीं डाला गया है। जो 2021 बैच था उनका इस बार सेकेंडरी था, अब उनके थर्ड ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो रिजल्ट जो है साइट पे ना डाल के कॉलेज की मेल पे रिजल्ट भेजा गया है। तो आप लोग कॉलेज की, जिस कॉलेज से आप लोग बिलोंग करते हैं, अटल बिहारी यूनिवर्सिटी जिसकी लगती है, तो यूपी में जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी यूनिवर्सिटी है वो अटल बिहारी ही लगती है। तो अटल बिहारी ने कॉलेज में मेल पे रिजल्ट जो है वो अपलोड कर दिया। तो अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है रिजल्ट तो देख लीजिएगा। जिस कॉलेज से आप लोग पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज से स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू रिजल्ट मतलब पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट रिजल्ट देख भी चुके होंगे, क्योंकि रिजल्ट जो है वो 1 बजे के अप्रॉक्स आया था, आज ही आया था। तो उस टाइम मैं कॉलेज में थी, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बना पाया। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि आप लोगों को बता दें सेकेंडरी का रिजल्ट आ गया है। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के कॉलेज का रिजल्ट कैसा आया। प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कॉलेज का रिजल्ट कैसा गया है एंड कितने स्टूडेंट पास हैं, कितने स्टूडेंट फेल हैं और आपका रिजल्ट कैसा गया है। और आप अपना रिजल्ट शेयर कीजिएगा मेरे साथ, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आगे क्या प्रोसेस आएगा। जो स्टूडेंट की सप्ली आई है वो आगे क्या करें एंड स्कूटनी का फॉर्म कब तक आएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अपना रिजल्ट एंड कॉलेज का रिजल्ट भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।